अबे जा, आलसी लोग करते हैं योगा, जो मेहनती होते हैं ना वो करते हैं जिम। ओ भाई, ट्रेडमिल में भागने में और फील्ड में भागने में ना बहुत फर्क होता है, क्योंकि हार कभी मानते नहीं जिम वाले। बॉडी देख भाई, अभी नहीं, आने वाले कुछ महीनों में देखना, थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ही। भाई तू जितने महीने में बॉडी बनाएगा ना, उतने ही महीनों में मेरे पास ज्यादा पोटेंशियल होगा, ज्यादा पेशेंस होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी इम्यूनिटी तेरी इम्यूनिटी से काफी ज्यादा होगी। अबे जा, आलसी लोग करते हैं योगा, जो मेहनती होते हैं ना वो करते हैं जिम। भाई तूने उल्टा बोल दिया है, आलसी लोग करते हैं जिम, क्योंकि कम टाइम में बॉडी बनानी होती है ना। और देखे हैं मैंने ऐसे लोग जो वन ईयर की फीस भर के एक महीना भी नहीं आते हैं, आए बड़े मेहनती बनने वाले। अबे मेहनती हम लोग हैं, 50 kg के डंबल्स उठा के दिखा दे, आज ही जिम छोड़ दूंगा। भाई तू आधा घंटा मेडिटेशन करके दिखा दे। और एक फैक्ट की बात बताऊं, जितना दर्द मेडिटेशन करने पे होता है ना, उतना दर्द कभी भी जिम करके नहीं होता है। और इसी चीज को देखते हुए जो अमेरिका में कैदी होते हैं ना, उन्हें 11 आवर्स तक मेडिटेशन कराया जाता है, और वहां के जो कैदी उनका साफ ये कहना होता है कि इस मेडिटेशन को हम नहीं कर सकते हैं, इससे अच्छा हमें गोली मार दो। यकीन नहीं हो रहा ना, इंटरनेट में जाके पढ़ सकता है। मेडिटेशन के सामने तो मैं भी हार मानता हूं भाई, क्योंकि मैंने भी मेडिटेशन ट्राई किया है। 1 मिनट बाद तो मेरी एक आंख खुल जाती थी, दूसरे मिनट बाद मेरी दूसरी। ऐसा लगता था पता नहीं कितना जो टाइम हो गया है बैठे बैठे। कभी कभी तो पता नहीं कैसे थॉट्स आते हैं माइंड में, फोकस ही नहीं होता। मेडिटेशन बस की नहीं है भाई। पर एक चीज है भाई, मस्कुलर बॉडी बनाना ना इतना आसान नहीं है। जो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है ना जिम जाने के लिए, उतना तो योगा में भी नहीं करना पड़ता। जरा इस चीज को एक्सप्लेन करना। जो मस्कुलर बॉडी होती है ना, वो सिर्फ जिम करने से ही नहीं बनती है, वो बनती है डिसिप्लिन फॉलो करने से। तुम कितना प्रोटीन ले रहे हो, तुम कितना कार्ब्स ले रहे हो, तुम कितना फैट ले रहे हो, कितना न्यूट्रिशन तुम ले रहे हो, ये हर चीज मैटर करती है। हाँ मैं ये मानता हूं कि जिम करने वालों को डिसिप्लिन तो फॉलो करना ही पड़ता है, पर भाई एक फैक्ट की बात बताऊं, जिम करने के ना लोग सुबह के 8 या 9 बजे भी जाते हैं, और मोस्टली लोग तो इवनिंग में भी जाते हैं, पर जो एक योगा होता है ना वो अर्ली मॉर्निंग ही किया जाता है, और वही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अरे यार, तुम योगा करने वालों को क्या पता इसके पीछे की साइंस। भाई देख, मॉर्निंग पे वो लोग जिम जाते हैं जिनको वेट लूज करना होता है। अब इसके पीछे की साइंस को समझ। देखो, अर्ली मॉर्निंग में तो हमने कुछ खाया होता नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारा स्टमक है वो खाली रहता है, और फिर जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी कैलोरी ज्यादा बर्न होती है, हमारा फैट ज्यादा बर्न होता है, जिसकी वजह से वेट लूज में हेल्प मिलती है। और इवनिंग में वो लोग जाते हैं जिनको एक मस्कुलर बॉडी चाहिए होती है, क्योंकि पूरे डे में तो हम 3-4 बार तो खाना खा ही लेते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी बढ़ती रहती है और कैलोरीज बनती है। और इवनिंग के वर्कआउट के बाद तो हमें ज्यादा काम करना होता नहीं है, जिसके वजह से फैट और कैलोरीज कम बर्न होती है, और इन्हीं वजह से हमें एक मस्कुलर बॉडी देखने को मिलती है। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन का जवाब देना। जैसे कोई जिम जाता है और वो फिर वहां पर वो इंटेंस वर्कआउट करता है, फिर उस बॉडी पार्ट की मसल फट जाती है, तो उसके रिकवर होने के पीछे का साइंस क्या है? देखो, जब कोई हैवी वर्कआउट करता है तो उस बॉडी पार्ट की मसल फट जाती है, और इसके बाद जब हम घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं, तब वो बॉडी पार्ट की मसल रिकवर होना शुरू हो जाती है। इसलिए जो जिम करता है उनसे ये बोला जाता है कि तुम्हें प्रॉपर रेस्ट करना है, ताकि उस मसल को प्रॉपर टाइम मिले रिकवर होने का। अब देखो, जो वो मसल का ब्रेकडाउन हो रखा है, या तो उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा या उसका ही रिकवरी हो जाएगा। अब रिकवरी भी यहां 2 फेज में होती है। पहला है हाइपोट्रॉफी। हाइपोट्रॉफी में उस मसल का साइज बढ़ता है और उसकी थिकनेस भी बढ़ती है। और दूसरा है हाइपरब्लेसीमिया। हाइपरब्लेसीमिया में नंबर ऑफ मसल फाइबर्स बढ़ते हैं। जैसे एक पॉइंट में 10 मसल फाइबर थे तो 20 मसल फाइबर हो जाएंगे, 30 मसल फाइबर हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं हाइपरब्लेसीमिया। पर जिम में तो मेन फोकस मसल ग्रोथ और फिजिकल बॉडी में ध्यान दिया जाता है, पर योगा इंटरनल ऑर्गन के साथ साथ फिजिकल बॉडी को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। जरा एक्सप्लेन करना इस चीज को। जैसे योगा में ब्राह्मणी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति और सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार तो हेल्प करता है हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देने में, और एक मस्कुलर बॉडी देने में हेल्प करता है। और योगा हमें स्पिरिचुअलिटी से भी रूबरू करवाता है, और हमारी कंसंट्रेशन पावर और ब्रेन का IQ लेवल काफी हद तक बढ़ा देता है। वाह, क्या बात है। और एक फैक्ट की बात यह है भाई, योगा एक एंशियंट टेक्निक है, जिससे एंशियंट लोग योगा क्या करते थे और अपने को बीमारी से दूर रखते थे। पर एक साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग जिम के साइड इफेक्ट काफी ज्यादा देखे गए हैं, जैसे डाइट इम्बैलेंस, सीरियस इंजरीज, और इससे भी इम्पोर्टेंट, जो जिम करता है उसे प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन लेने पड़ते हैं। अगर वो किसी कारण से न्यूट्रिशन नहीं लेता है तो जिम से ज्यादा खराब कुछ भी नहीं होता उस आदमी के लिए। भाई, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना हर चीज के होते हैं, योगा के भी डिसएडवांटेज हैं।
भाई योगा के डिसएडवांटेज और जिम के डिसएडवांटेज में बहुत फर्क है। इसलिए तो योगा को बच्चे बूढ़े जवान कोई भी कर सकता है, पर जिम की एक मिनिमम एज तो 18 इयर्स है, जिसे हर कोई नहीं कर सकता। भाई ऐसा भी नहीं है जिम में सिर्फ मसल ग्रोथ होती है, उसके साथ साथ पूरे बॉडी की भी एक्सरसाइज होती है। हमारे पास ट्रेडमिल भी है जिसमें आदमी रनिंग करके अपनी बॉडी को फिट रखता है। ओ भाई ट्रेडमिल में भागने में और फील्ड में भागने में ना बहुत फर्क होता है, और कोई भी रिसर्च पेपर उठा के देख ले, आउटडोर रनिंग इज बेटर देन ट्रेडमिल रनिंग। और इंडिया से ही तो योगा का जन्म हुआ है, इसीलिए तो आज पूरा वर्ल्ड योगा कर रहा है। अरे यार मैंने तुझसे बातें नहीं करनी, मेरे जिम का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। भाई जाते जाते कुछ एडवाइस तो दे जा। एडवाइस तो यही है कि अगर किसी को मस्कुलर बॉडी चाहिए तो उसके साथ साथ प्रोटीन, न्यूट्रिशन, कार्ब्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हो, कब ले रहे हो और कितना तुम रेस्ट करो, ये हर चीज मैटर करती है और ये हर चीज को ध्यान में रखना होता है। और एक ही बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज डेली मत करिए, उस मसल को दोबारा रिकवर होने का टाइम दीजिए। अगर आप ये सब चीज फॉलो करते तो आपको बहुत जल्दी एक मस्कुलर बॉडी देखने को मिलेगी। सो गाइज अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका सेकेंड पार्ट भी जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि हार कभी मानते नहीं जिम वाले। देखो जिम और योगा का मोटिव तो सिर्फ एक ही है, बीमारी से दूर रहना और फिट रहना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। अगर आपको मस्कुलर बॉडी बनानी है तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे तो योगा अपनी जगह बेस्ट है। सो गाइज अगर आप भी किसी टॉपिक में डिबेट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज आप क्या सोचते हैं जिम और योगा के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा गाइज।